हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज पता होगा आप लोगों को कि मैं आज क्यों आई हूँ, कौन से टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन मैं खुद बता देती हूँ। पवित्रता, प्यार, समर्पण, साहस और धैर्य की देवी जनक नंदिनी माँ सीता जी का जन्मदिन है। आप सभी को जानकी नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों पे माता सीता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। और मैं इस बात को रखने भी आई हूँ कि सीता जानकी नवमी आज क्यों नहीं मनाया जा रहा है इतने धूमधाम से, जबकि हम रामनवमी इतने धूमधाम से मनाते हैं। बस मेरा ये अपना सोच है, अगर गलत सोच है तो प्लीज आप लोग इस चीज को हमें समझाएं कि ये गलत सोच है। तो हमें आज का दिन भी मनाना चाहिए। हम अपनी सोच से बोल रहे हैं ये चीज, इतना ही जितना मैं सोची मैं ये आप लोगों से शेयर की। बस मेरा बोलने का मतलब यही था कि हमें भी आज का दिन हमें मनाना चाहिए। सीता माता ने भी बहुत त्याग किया है, श्री रामचंद्र जी खुद उनके बिना अधूरे हैं, सीता माता के बिना। तो फिर हम धरतीवासी ये भेदभाव क्यों? रामनवमी जब हम इतने धूमधाम से मनाते हैं तो हमें जानकी नवमी को भी बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। माँ सीता ने नारी को दिलवाई थी सम्मान, खुद सहा था कष्ट, श्री रामचंद्र जी के सम्मान पर ना आने दी कोई आंच, ऐसे सीता माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो सिहर जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सीता माता का त्याग हमें याद आता है। आज के और कल के और आने वाली कई जनरेशन हम इस चीज को, सीता माता के नाम को लेकर हम इन्हें समझाते रहेंगे, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को। उनका त्याग, जितना धैर्य, जो साहस उन्होंने दिखाया है, हम सबको अपने बच्चों को सिखाते हैं और उनसे हम प्रेरित होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। तो हमें इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए एकदम धूमधाम से, सीता माता का जन्मदिन आज के दिन। मिथिला के धिया सिया जनक जगत जननी भेली, धरनी बनल सुर धाम यो। तो बोलेंगे कि हम आज भी बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। जैसा बेटा हमारे जीवन में बहुत कुछ है, उसी तरह बेटी भी हमारे जीवन में बहुत कुछ है। अगर बेटी नहीं तो हम कुल को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। सीता माता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उन्हीं की साहस को और उनके त्याग को, समर्पण को हम आज भी याद रखते हैं। और जो उनसे सीखा हुआ जो भी हम महिलाएं हैं ना, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते, कभी गलत रास्ते पे नहीं चल सकते और ना ही किसी महिला को गलत रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो हम आज के दिन को इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए मनाना चाहिए, इसलिए आज के दिन पूजा पाठ करना चाहिए उनके नाम की, क्योंकि सबसे बड़ी वो त्याग की देवी है, समर्पण की देवी है। हम अगर आज के दिन को नहीं मनाते हैं तो आने वाली पीढ़ी में हम सीता मैया को नहीं देख पाएंगे। हम महिलाएं में, हम महिलाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी में हमारी बेटियां, दूसरी तीसरी पीढ़ी सभी इनसे प्रेरित होंगे। तो बस हम इस चीज को इसीलिए आज रखे हैं क्योंकि हम इस चीज को मानते हैं। राम, श्री रामचंद्र जी ने त्याग किए तो उसको हम सभी धरतीवासी मनाते हैं, बोलते हैं सभी। सीता मैया का त्याग हम नहीं बोल सकते, क्या उन्होंने त्याग नहीं किया? क्या उन्होंने श्री रामचंद्र जी के मान सम्मान को जिंदा नहीं रखा, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के? तो जब श्री रामचंद्र जी सीता के बिना अधूरे हैं तो हम लोग भी तो इस दिन को मना के उनको पूरे कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं आप सभी को फिर से जानकी नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और अगर मैंने कुछ गलत कहा, कुछ बोला, तो उसके लिए हम क्या बोलें आप लोग बताइए कमेंट में, क्या ये बात सही है ना कि हमें जानकी नवमी
को भी उसी तरह मनाना चाहिए जैसे हम रामनवमी को मनाते हैं। जैसे बोलते हैं साथ जय सियाराम, एक बार बोले जय सियाराम।